राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से आज संसद भवन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम आगे उठाया गया है। अपने देश में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, इसके स्टेशन भी बनेंगे और देश का आयात भी बचेगा, नए रोजगार का निर्माण होगा और भारत हाइड्रोजन का निर्यात करने वाला देश भी बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली टोयोटा मिराई कार से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संसद भवन रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास से बनता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ग्रीन हाइड्रोजन आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा, साथ ही जीवाश्म ईंधन पर देश की आत्मनिर्भरता को भी कम करेगा। 8 लाख करोड़ का इम्पोर्ट होता है हमारे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, तो हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने देश में इसका उत्पादन करना होगा, और इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। केंद्रीय मंत्री ने परिवहन ईंधन के रूप में भी ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाओं पर जोर दिया, साथ ही कहा कि आगे ग्रीन हाइड्रोजन पर बसें, ट्रक और कार चलाने की भी योजना है, जो शहरों में सीवेज के पानी और ठोस कचरे का उपयोग करके बनाई जाएगी। हमें हाइड्रोजन जो चाहिए वो ग्रीन चाहिए, ताकि इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए ये पहली कार है। इसके स्टैंडर्ड्स भी हमने तय किए हैं। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इम्पोर्ट भी बचेगा, और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। भारत सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया है। मिशन के जरिए साल 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हासिल लक्ष्य से देश हाइड्रोजन का निर्यात भी कर पाएगा और रोजगार की नई संभावनाएं भी प्रबल होंगी। आज पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली एक कार की लॉन्चिंग की है। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले इस कार से जो जीवाश्म ईंधन से जो भारत की निर्भरता है दूसरे देशों पे, उसमें कमी आएगी। साथ ही जो कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही है, कार्बन उत्सर्जन को कमी करने में भी मदद मिलेगी।